सलाम दोस्तों, मैं अंसारी, आप देख रहे हैं ट्यून अंसारी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ज़्यारत कराने लगा हूँ झाड़े वाले बाबा की, उसके साथ ही साथ आपको ज़्यारत कराने लगा हूँ घाटी वाले बाबा की, जो कि अजमेर शहर में 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर है। और साथ साथ ये बताने वाला हूँ कि वहाँ पर जो बड़का पेड़ है उसके बारे में सभी से पूरी जानकारी लेंगे। 101 जिन्नातों के बादशाह का क्या रहस्य है, ये पूरी जानकारी सही सभी से आपको देंगे। तो चलिए सभी से मिलते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। ये देखिए, ये मज़ार है, सबसे पुराना मज़ार यहाँ पे यही है। जैसा मैंने बताया कर लगभग 400 साल पुराना, 350 से 400 साल पुराना लगभग। तो हमारी नानी ने, हमारे जो यहाँ की खिदमत करती थी, उन्होंने भी यही बताया कि सबसे पुराना मज़ार यही है। और इनका पूरा नाम है सूफ़ी अब्दुल रहमान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनका पूरा नाम है। और वो बताती थी कि ये शहीद हैं जी। तो ये उनका मज़ार है सबसे पुराना। और इस तरफ ही हमारी नानी को तस्कीन किया गया है, इस तरफ हमारी नानी का मज़ार है। और अभी इनके उर्स गए हैं यहाँ पे, ये जो सूफ़ी अब्दुल रहमान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनके उर्स होते हैं रबीउल अव्वल की 5 और 6 तारीख को। जी, रबीउल अव्वल की 5 और 6 तारीख, रबीउल अव्वल की 5 और 6 तारीख को यहाँ के उर्स होते हैं। और अभी उर्स गए हैं रबीउल अव्वल में, तो यहाँ का अब उर्स की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। यहाँ की जो 3 उर्स होते हैं साल में, वो मैं ही करता हूँ। हमारी नानी की वसीयत है कि मेरे बाद जो है यहाँ के उर्स की जिम्मेदारी, उर्स करना यहाँ की तुम्हें ही करने पड़ेंगे। तो उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर ही है। तो यहाँ के साल में 3 उर्स होते हैं, वो मैं ही करता हूँ। महफिल होती है मिलाद की महफिल। ये मज़ार है जो यहाँ पे पहले खिदमत करते थे, लगभग 80 से 90 साल पुराना मज़ार है। ये झाड़ी वाले बाबा जिनको कहते हैं, इनका नाम रहमान शाह है, सूफ़ी रहमान शाह। और पहले ये खिदमत करते थे, उसके बाद हमारी नानी यहाँ पे खिदमत करती 1944 से। तो इनके उर्स होते हैं शाबान में, इनके उर्स शाबान में होते हैं। कितनी तारीख इनकी शाबान की? 19, 20 और 21 तारीख को होते हैं यहाँ के झाड़ी वाले बाबा हैं, इनकी शाबान की 20 और 21 तारीख को होते हैं उर्स। और एक मज़ार और है, ये सूफ़ी सलाउद्दीन, इनका नाम है सूफ़ी सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इनके उर्स भी होते हैं जमादिउल अव्वल में यहाँ के उर्स होते हैं, और 10 और 11 तारीख को उर्स होते हैं। तो ऐसे ये साल में 3 उर्स होते हैं। और यहाँ पे तो इंशाल्लाह ये आपको हाजिरी करा दी है यहाँ की। ये भी एक दरगाह है जो सरवाड़ शरीफ जाने का रास्ता है जी, जी। उसी के हाईवे के एकदम करीब में ये दरगाह है, और झाड़ी वाले बाबा के नाम से ये दरगाह मशहूर है यहाँ की। तो अब इसके बाद आपको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। अभी यहाँ से हम जाने वाले हैं बाइक के ऊपर, और आगे यहाँ से करीब 4 या 5 किलोमीटर दूर यहीं से अजमेर से ये दरगाह जो है 6 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर घाटी वाले बाबा। उनको घाटी वाले बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो घाटी, एक रोड के ऊपर घाटी बनी हुई है, घाटी के ऊपर वो दरगाह है, तो इसलिए उनको घाटी वाले बाबा कहते हैं। उनका वैसे पूरा नाम है सैयद मोहम्मद नजीब, और उनको घाटी वाले बाबा कहते हैं। तो अभी चलेंगे यहाँ से, वहाँ की आपको हाज़िरी करवाते हैं। शायद हम पहुंच चुके हैं घाटी वाले बाबा की तरफ। यहाँ पे पुराने लोगों से भी सुना है, हमारे बुजुर्गों से भी सुना है, और लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ पे आने के बाद जो लोगों के ऊपर जिन्नात वगैरह होते हैं जी, वो उतर जाते हैं। और इन्होंने ऐसा एक मानना है कि इन्होंने एक जो जिन्नातों का सरदार था वो किसी के ऊपर था, उसको जब किसी शख्स के ऊपर वो आ गया तो उसको इन्होंने इनकी दुआ से, इनके करम से उसको उतारा जी जी। तो उसने कहा कि मुझे जगह दिलाओ जी जी। तो यहाँ मज़ार शरीफ के बगल में ही एक पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है, वो भी बड़ का पेड़ है। तो इन्होंने कहा कि इसको जिन्नात को बोला कि तेरे को इनको, इन्होंने जो घाटी वाले बाबा हैं सैयद मोहम्मद नजीम चिश्ती नदीम हैं, सैयद मोहम्मद नदीम रहमतुल्लाह अलैह, तो इन्होंने कहा कि मैं तुमको जो है या बगल में जो पेड़ है उसके ऊपर जगह दे सकता हूँ। तो वो जो जिन्नात था उसने कहा कि मैं सरदार हूँ, जिन्नातों का सरदार हूँ, 101 जिन्नातों का सरदार हूँ, बादशाह हूँ उनका। तो ऐसे
कहावत है, पुरानी रिवायत है, लोगों से सुना है कि इन्होंने जो है उसको इस पेड़ पे जगह दी। और अभी आपको वो पेड़ भी दिखाएंगे जिसको लोग बोलते हैं कि वो एक से जिन्नातों के बादशाह जो हैं वो इसी पेड़ के ऊपर है। और तब से जब से इन्होंने जगह दी है वो तब से यहीं पर है, उसी बड़ के पेड़ के ऊपर। तो वो बड़ का पेड़ आपको दिखाएंगे, ये सामने की तरफ बड़ का पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है, आप देख सकते हैं इसके काफ़ी तने हैं। लगभग ये पेड़ भी 200 या 250 उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है लगभग, कुछ अंदाज़ा मैं लगा नहीं सकता हूँ, ऐसे अंदाजे से ही बता रहा हूँ। और काफ़ी पुराना पेड़ है और लोगों का ऐसा मानना है कि जो जिन्नातों के बादशाह हैं, तो एक से एक जिन्नातों का जो बादशाह है वो इस पेड़ पर है और यहीं पर उनको जगह दी गई। जो जिन्नात हैं 101 बादशाहों के जो सरदार हैं उनको यहीं पे जगह दी गई। तो आप ये देख सकते हैं ये पेड़ है, यहाँ पे बोर्ड भी लिखा है बादशाह बाबा यानी जिन्नातों के सरदार, जो जिन्नातों के सरदार हैं उनको यहीं पे जगह दिलवाई गई। और इस पेड़ की आप देख सकते हैं क्या निशानात हैं, काफ़ी पुराना पेड़ है और कई तने निकल चुके हैं इस पेड़ में से, एक नहीं, इधर देखिए इस तरफ भी है, पूरी उस तरफ है, ये इधर तो काफ़ी टूट भी चुके हैं और उधर पीछे भी है काफ़ी एक ही पेड़ में। पर अब हम आ गए हैं झाड़ी वाले बाबा के बिल्कुल करीब। ये मेरा दोस्त है यासीन, ये मेरे साथ ही रहता हमेशा, हाय करो। हाय। आप देख सकते हैं पीछे पेड़, काफ़ी पुराना पेड़ है, इसके बारे में आपको साबिर भाई ने बता दिया है। अब जाना है घाटी वाले बाबा की तरफ, आप देख सकते हैं घाटी वाले बाबा का मज़ार बहुत पास में ही है। तो चलिए चलते हैं साबिर भाई के पास, पूरी जानकारी लेते हैं साबिर भाई से। यही आस्थाने शरीफ जाने के लिए रास्ता है, जो गेट देख रहे हैं आप ये मेन गेट है, यहीं से हम अंदर दाखिल होंगे। उससे पहले आप बाहर का नज़ारा देख लीजिए, ये सामने बाबा का आस्थाना शरीफ, काफ़ी मैदानी इलाका है बाहर की तरफ, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, गाड़ी वगैरह खड़ी है, देखिए आप देख सकते हैं। हम इस तरफ से आए थे, ये रास्ता है घाटी वाले बाबा का जो बना हुआ है, ये फूल वगैरह की दुकान लगी हुई अंदर, अंदर से आप फूल ले सकते हैं, हमने फूल ले लिए हैं, अब अंदर जाएंगे हम फूल पेश करेंगे। आप देख सकते हैं पानी के मटके रखे हुए हैं, जो जारीन धूप में आते हैं इनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आस्थाने शरीफ के बाहर का दलान देख लीजिए, अब यहीं पे महफिल वगैरह सजती है, जब आपके बाबा के उरस होते हैं यहीं पे महफिल सजती है। काफ़ी बड़ा इलाका है माशाल्लाह, काफ़ी पहुँची बस्ती है, काफ़ी जायरीन आते हैं यहाँ पर, सभी धर्म के लोग हाजिरी देने आते हैं यहाँ पर, फूल वगैरह पेश करते हैं। पीराने पीर सैयद मोहम्मद नाजिम आपका नाम है, उर्फ घाटी वाले बाबा। पानी पीने के लिए काफ़ी खूबसूरत इंतजाम किया गया है, ठंडे पानी के मटके रखे हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं। चलिए अब दरगाह शरीफ के अंदर चलते हैं और दुआ खैर करते हैं। देखिए आप लोग हाजिरी कीजिए, घाटी वाले बाबा का मज़ार है और सैयद मोहम्मद नदीम रहमतुल्लाह अलैह, फूल वगैरह पेश कर देते हैं। फातिहा वगैरह पढ़ के अभी इंशाल्लाह दुआ करेंगे। हमारा मकसद यही है कि अगर जो लोग ऐसी मज़ारत पे नहीं जा पाते हैं तो हमारी वीडियो के ज़रिए वो उनकी हाज़िरी हो जाए, उनका सलाम मज़ारत में जो अल्लाह के वली हैं जो सो रहे हैं उनकी वीडियो के ज़रिए हाज़िरी भी हो जाए, उनका सलाम भी पेश हो जाए और वो दुआ भी कर लें। तो पहले जब हम छोटे छोटे थे तो बसों में आते थे, तो बसें इधर से गुजरती थी, जितनी भी गाड़ियाँ गुजरती थी तो वो ऐसे चलती, बस में से देखने में थोड़ा मज़ा आता था कि हम लोग जैसे यहाँ पे फैमिली के साथ भी आते थे ना जी जी। तो जो भी गाड़ियाँ इधर से निकलती थी जी जी। वो अब गाड़ी रुकती तो थी नहीं यहाँ पे, जो सरकारी बसें वगैरह होती हैं ट्रक्स वाले होते हैं वो रुकते तो थे नहीं, तो ऐसे वो
खिड़की में से ही जो नजराना पेश करते हैं सिक्के वगैरह ऐसे यहाँ पे ऊपर मजार के ऊपर जो छत है उमर वगैरह यहाँ पे फेंक देते थे ऐसे, तो काफी सिक्कों की आवाजें आती रहती थी, तो बड़ा मजा आता था यहाँ पे जब फैमिली के साथ आते थे। तो इंशाल्लाह आप हाजिरी कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुज़ूर पाक सरवर कायनात खास खुलासाए मुज़ाद दलुल मखलूक़ात सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इला तबीब इल्लत इब्ना अहमद मुस्तफा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा वसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुदवतुल औलिया बुरहानुल अस्तिया सिराजुल मिल्लत व दीन मौलाना मुत्तकीन मुकर्रबीन बारगाह रहमान हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून क़ुद्दुस रज़ी सुल्तानुस सालिकीन बुरहानुल राशिकीन ताजुल मुकर्रबीन वल मुहक्किकीन बंदगी हज़रत क़ुतुबुल अफ़्ताह हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी क़ुद्दुस रज़ी जमी आल व औलाद में वालदैन शरीफ़ान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया क़ादरिया नक्शबंदिया और सहरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा वसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गरीब नवाज आपके वसीले तुफ़ैल से सैयद मोहम्मद नजीम रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हमने जो फूल छिन्नी अगरबत्ती पेश की है जो फातिहा और हमारे सलाम पेश किया है इसको कबूल और मकबूल अता फरमाओ। या सैयद मोहम्मद नजीम रहमतुल्लाह अलैहि हमारी हाजिरियों कबूल और मकबूल अता फरमाओ। और जो लोग इस वीडियो के ज़रिए आपकी बारगाह में आपकी दरगाह की हाज़िरी कर रहे हैं उनकी भी हाज़िरी को कबूल उनकी भी सलाम को कबूल और मकबूल अता फरमाओ। करम और रहम अता फरमाओ। हुज़ूर गरीब नवाज के वसीले और तुफ़ैल से हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल अता फरमाओ। इन्नल्लाहु मलाइकतुहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله। देख सकते हैं आप यहाँ पे ज़ायरीन वगैरह आते रहते हैं। तो सरवार शरीफ जो लोग जाते हैं इधर से और जिनको मालूम है वो लोग भी यहाँ पे रुक के हाज़िरी वगैरह करते हैं, अपने फूल चादर वगैरह पेश करते हैं, शिरनी नियाज वगैरह अपना सलाम अपनी हाज़िरी पेश करते हैं, दुआएं मांगते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से सरवार शरीफ के लिए रवाना होते हैं। और जो पैदल लोग आते हैं सरवार शरीफ में वो भी यहीं पर रुकते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। यहाँ पर भी थोड़ा चाय पानी लंगर वगैरह का उनके लिए इंतज़ाम होता है जब सरवार शरीफ की 3 तारीख को लोग पैदल जाते हैं। और जो लोग जाते वक्त हाज़िरी नहीं देते हैं वो वापस जब आते हैं सरवार शरीफ से तो उस टाइम उस वक्त यहाँ पे हाज़िरी दे देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिल सके, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और हमारे वीडियो के ज़रिए आप भी जो है बुज़ुर्गान दीन का फैज़ और उनका फैज़ान करम हासिल कर सकें। वो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नई मालूमात एक नई जानकारी के लिए जानकारी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों मैंने आपको ज़्यारत करा दी है झाड़ी वाले बाबा की और घाटी वाले बाबा की, और साथ ही साथ साबिर भाई ने इस पेड़ के बारे में भी बता दिया आपको, इस पेड़ का किस्सा ये भी आपको जानकारी साबिर भाई ने दे दी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ट्विन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वो वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।